हेलो नमस्कार नमस्कार सुमित जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो जी? लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। सुमित जी, आज का टॉपिक हमारा है क्लाइमेट सेंसिटिव जोन के बारे में जी। तो जो क्लाइमेट सेंसिटिव जोन है वहां से टूरिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो पीक है हमारे यहाँ इधर हिमालय माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट, वहां पे कभी कभार इमेजेस आती थी कि हाँ न्यूज आती थी कभी कभार कि कोई एक किसी ने फतेह किया काफी टाइम बाद, कई सालों बाद कोई चढ़ पाता, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो अभी जल्दी रिसेंट नेट पे पिक्स मिली है और कुछ न्यूज आउटलेट्स भी मिले हैं जहां पर दिखाया गया है कि वहां पे इतना ज्यादा लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल काफी ज्यादा मतलब एक सोचने वाली बात नहीं है कि वो एक क्लाइमेटिक सेंसिटिव जोन है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब वहां पे लोगों की अगर वो बढ़ेगी, ठीक है, तो काफी ज्यादा वहां पे इम्पैक्टफुल होगा। ये वैभव सर, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि ये जो सेशन है ये इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हमने ये सेशन किया है, किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस के लिए एक इंट्रोडक्शन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस सेशन में, ये सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लाइमेटिक सेंसिटिव जोन को लेके, जो आजकल आप टूरिज्म देख रहे हो हमारे हिल स्टेशन पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे क्लाइमेट मतलब हमारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके हैं जो हमारे इधर के, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, ये टूरिज्म बहाना होके हम साउथ इंडिया पेनिनसुला जो हमारा भारत है प्रायद्वीप भारत, वहां पे हम क्यों नहीं जाते हैं? हम जब भी छुट्टियां समर वैकेशन आते हैं हम पहाड़ों में भागते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा वहां की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज इन्हीं सब बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या इससे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसी के लिए ये सेशन स्टार्ट किया गया। तो जी जी हाँ, तो सुमित जी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी स्टार्ट करिए। हाँ, तो सबसे पहले तो यही है कि जब समर वैकेशन आती है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जब हम हमारे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है, आई थिंक एमपी हो गया, और ये हमारे जो भी स्टेट है राजस्थान, तो ये जब समर वैकेशन में जब भी छुट्टियां मिलती हैं तो ये लोग हिल स्टेशन पे हिमालय माउंटेन रेंज पे ही क्यों? इंडिया तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, साउथ इंडिया में भी जा सकते हैं बहुत, हमारे इंडिया में तो हर जगह बहुत हर जगह सुंदरता एक ब्यूटी फैली पड़ी है नेचुरल, तो ऐसा क्यों? मैं वैभव सर, मैं इसका आंसर की शुरुआत एक रेफरेंस लेके करना चाहूंगा कि अगर हम कहें कि आप कौन से साबुन से नहाना पसंद करते हैं, तो मेरा मानना है मेल्स की पसंद अलग होगी, फीमेल्स की पसंद संतूर लक्स अलग होगी। तो बहुत कुछ हमारी चॉइसेस डिपेंड करती है कि किस तरह से उस चीज की मार्केटिंग और ब्रांडिंग हुई है। तो हमारी जो डिसीजन है वो मैं मानता हूँ कि कई तरीके से अफेक्ट होते हैं कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं। तो जब बात आती है टूरिज्म पे जाने की, तो इंसान सोचता है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहे, और डेफिनेटली इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप ऐसे वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमारे भारतीय पसंद करते हैं नॉर्दर्न इंडिया के मैक्सिमम पहाड़ों पे जाना, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया रील्स बनाने का, वहां पे जाके नेचर का लुक कम उठाते हैं लेकिन वो अपना वीडियोग्राफी जारी बहुत रखते हैं। बिल्कुल सही कहा, मतलब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा आपने बोला। वहां पे हमारे दिखना चाह रहे हैं, बनना नहीं चाहते। हमारी सोशल लाइफ कितनी बेहतरीन हो सकती है, मैं अपने फ्रेंड्स को कितना बेहतरीन अपने आप से, जैसे कि आप मेरे को देख रहे हैं मैं चश्मा पहन के आया हूँ, तो ये भी आप कह सकते हैं कि मैं दिखना चाहता हूँ कूल चश्मा पहन के, मैं कूल दिखूं। तो ये सब ह्यूमन बिहेवियर होता है, मेरा मानना है कि हम पीछे कुछ और है रीजन। बिल्कुल, हम इससे बेस्ट से बेस्ट दिखना चाहते हैं। तो नहीं, मेरे बाल है ऐसा नहीं है मैं बन जाऊँ, मेरे बाल है आप देख लीजिए। मतलब कूल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो मैं वही बोल रहा था कि हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि कई लोग जो पसंद करते हैं पहाड़ों पे जाना,
इसमें बहुत बड़ा रोल मेरा मानना है होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, जो ये आजकल सोशल मीडिया आई है और इंस्टा पे और यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स जो ब्लॉगर्स आए हैं मोस्ट ऑफ द जनता का डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं और बोलते हैं आप यहाँ आइए, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, आपका और जबरदस्त रहेगा एक्सपीरियंस। इनकी वजह से सर जो लोग जाते हैं तो वो एक तो नौसिखिए होते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट को देखने को, जान माल का बहुत नुकसान होता है वहां की। एक तो आप, मैं कहूंगा कि लैंडस्लाइड्स इतने बढ़ गए हैं क्योंकि वो वहां की उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इतनी जनताओं को झेल पाए। सर अब स्ट्रक्चर जो वहां पे ये सारी चीजें आप मैन्युफैक्चरिंग ये सारे मतलब आप वहां पे पेड़ वेड़ काटोगे और ये होटल्स बनाओगे सारी चीजें करोगे तो क्या सर लैंडस्लाइड होना ऑब्वियस है, नेचुरल वो तो है। बिल्कुल सही कहा, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। और इसी की वजह से सर आप फ्लैश फ्लड आप देख रहे हो तुरंत, जो फ्लैश फ्लड जैसे तुरंत एकदम आप देख रहे हो केदारनाथ में, देख रहे हो कहीं और भी, अभी जोशीमठ में देखने को मिला था इससे पहले कि पानी का एकदम फ्लो होता है नीचे और बहुत ज्यादा भयंकर तबाही मचती है। क्यों फ्लैश फ्लड जैसी घटना क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, आए दिन लैंडस्लाइड होती है और लोग फिर भी नहीं मानते लैंडस्लाइड में और काफी ज्यादा नुकसान होता है लोगों को क्योंकि लोगों को एडवेंचर। तो मेरा मानना तो यही है कि इसके जो रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरा रीजन मैं इसका बताना चाहूंगा कि इंसान अपना जो लाइफ जीता है वो YOLO YOLO इस प्रिंसिपल पे जीता है दैट यू ओनली लिव, YOLO इज यू ओनली लिव वंस। तो अपने इस जीवन इस एक जीवन में वो सारी चीज कर देना चाहता है जो पॉसिबल है, लेकिन विदाउट थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि वो कितने गलत रास्ते पे चल पड़ा है इस प्रिंसिपल को लेते हुए, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लीजिए कुछ ना कुछ तो छूट ही जाना है। ऑब्वियस। वैसे सुमित जी अगर बात की जाए तो इंडिया के, ये तो नॉर्दर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये आपकी ऑडियंस में एक रॉयल क्वीन है जो आपसे शायद कुछ सवाल पूछना चाह रही है। यूपीएससी में हिंदी इंग्लिश बोथ बायलैंगुअल, मेरा मानना है इनको अपनी असली आईडी देना चाहिए रॉयल क्यून, इनका असली नाम जरूर नहीं होगा, इनका कुछ अच्छा नाम इनके माता पिता ने तो अच्छा होगा अगर आप अपना असली नाम बता दें यहाँ पे। तो चलिए हम बात करने वाले थे, यहाँ पे बात कर रहे थे कि माउंटेन्स पे वहां पे अब हम पेनिनसुलर इंडिया की अगर थोड़ी बात कर लें कि कितना डाइवर्सिफाई है यहाँ पे हमारा, मतलब भारत बहुत खूबसूरती है हर जगह, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी आपको, और नीचे आप वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में चले जाइए साइलेंट वैली नीचे आपको केरला में देखेगी, मतलब बजट अगर देखा जाए तो बजट भी उतना ही लगता है, कोई ज्यादा बजट नहीं है। वैभव जी अगर आप अभी रिसेंटली न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने अभी एक रिसेंटली न्यूज पढ़ी है कि पोर्ट ब्लेयर में सक्सेसफुल लैंडिंग की गई है रात के टाइम में, जो कि अब तक कभी नहीं हुआ था, पहली बार ये किया गया है पोर्ट ब्लेयर में एरोप्लेन निकोबार आइलैंड कैपिटल, राइट। तो वहां पे इससे पहले कभी भी रात के टाइम में लैंडिंग नहीं हुई थी, पहली बार सक्सेसफुल लैंडिंग की गई है पैसेंजर्स के साथ, तो ये दिखाता है कि सर के टाइम में कितनी बढ़ चुकी है। सर हमारे पास बहुत, मैं बोला ना इंडिया बहुत डाइवर्सिफाई है, एक नेचुरल मतलब जो देखा जाए सीनोग्राफी बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है इंडिया के नॉर्थ प्लेस में हमें छुट्टी मना, क्योंकि देखो इसका एक रीजन है, यहाँ पे हम इसलिए नहीं बता रहे कि हाँ हम अभी कुछ लोगों का कहना होगा कि तुमको क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो मेरा इम्पैक्ट पड़ने ना पड़ने का कोई रीजन यहाँ भूल नहीं है, मेरा कहने मतलब है रिसोर्सेज पे और क्लाइमेट चेंज पे ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जब आप वहां जाते हो तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा सा चंक एक ह्यूमंस का वहां पहुंच जाता है और वहां के रिसोर्सेज इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है वहां पे, ठीक है, और वहां के कल्चर पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। और तभी हम आज के लिए हमें इसको थीम्स में डिवाइड करना चाहे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इन सब में क्लासिफाई भी कर सकते हैं। और अगर मैं ऑब्वियसली आप
आप लाइट डालना चाहेंगे कि क्या क्या सोशल इम्पैक्ट होता है इन सब चीजों से हाई मात्रा में जब टूरिस्ट वहां पे पहुंचते हैं? सोशल इम्पैक्ट सर ये होते हैं, सोशल इम्पैक्ट की बात करें कि वहां की जो कम्युनिटी है, अब आप जाते हो वहां की कम्युनिटी पे क्या है, बहुत सारा इम्पैक्ट है। आप अपना कल्चर एक अब देखा जाए, यहाँ पे जाते हो हम लोग कहें को वहां पे पार्टी करते हैं, बिस्की विस्की ये बहुत सारी चीजें, बियर्स पीते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वहां के कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग भी वैसा ही फिर, क्योंकि हर जगह का, मैंने बताया ना कि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है कल्चरल बेस पे हर तरीके से, ठीक है। अब तुम जाओगे बड़ी मात्रा में वहां पे टूरिज्म के लिए, अब तुम्हें खुश करने के लिए वो क्या करेंगे, तुम उनका होटल लो, बहुत सारे यहाँ पे चीजें आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे कुछ ना कुछ। वो तुम्हें क्या पसंद है, बियर्स पीना पसंद है, तो वो तुम्हारे लिए स्पेसिफिक क्लब्स बनाते हैं ये सब। तो वहाँ के कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ का कल्चर अलग है, तो सोशल इम्पैक्ट बहुत देखने को मिलता है, वहाँ की लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वही हम लोकल रिसोर्सेज की बात करें तो देखो पहाड़ी इलाकों काफी हाइट पे होते हैं, तो रिसोर्सेज इतने ज्यादा उनके पास नहीं है। अभी यूपी की बात करें और हमारे जो प्लेन एरिया में गैंगेटिक जोन में जो आपको दिख रहे हैं स्टेट, वहां पे तो रिसोर्सेज एक सीमित मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं। वहां पे एग्रीकल्चर भी लिमिटेड होता है, कोई प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर नहीं करते, वो अपने मतलब कंज्यूमिंग के लिए करते हैं, खा सकें यही सब कर सकें। तो बात सबसे बड़ी ये है कि वहां के रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम जाते हैं वहां पे, अब हमें खाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे, तो लोकल रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ना वहां पे, क्योंकि ये भी काफी सोचने वाली बात है भाई। हम इम्पैक्ट बात कर ले टूरिज्म की, जो इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन करते हैं, उनका एयर पॉल्यूशन होता है, हम बाइक अपने वाहन ले जाते हैं बाइक ले, वाटर पॉल्यूशन होता है वहां पे बहुत ज्यादा, आप जो भी खाते पीते हैं और अपने साथ चिप्स के पैकेट ले जाते हैं, क्योंकि वहां तो हम बना नहीं सकते जाके गैस सिलेंडर ले जाके। अब लोग देखते हैं ना कैंपिंग करते हैं बहुत जाके, बहुत सारी चीजें करते हैं आजकल बहुत ज्यादा, ये नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है यहाँ पे बहुत ज्यादा ये एक क्रेज बन गया है इस टाइप का, कैंपिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये सब तो करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन कम से कम इन्वायरमेंट का तो वहां पे ख्याल रखो। आप जाते हो वहां पे क्या करते हो, बोतल प्लास्टिक की पानी पी आपने फेंक दी, आपने चिप्स खाया फेंक दिया, वो तो कितना हार्मफुल है वहां के लिए, वहां की वाइल्ड लाइफ के लिए कितना हार्मफुल है। बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि हमारी मदर नेचर के पास काफी कैपेबिलिटी है इन सब चीजों को झेलने की, लेकिन एक समय पे आके उसका भी जो सब्र है, मैं कहूंगा मदर नेचर का जो सब्र है वो भी टूट जाता है, और वहां पे ही शुरुआत होती है नेचुरल डिजास्टर्स की। देखा जाए तो उसे हम तो कह देते हैं नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन पीछे अगर जाके हम उड़ के देखेंगे तो एक्चुअल में नेचुरल डिजास्टर्स नहीं, वो मैनमेड डिजास्टर्स होते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक इसी को तो बोलते हैं, ह्यूमन द्वारा की गई हरकतें एक्टिविटीज, अभी इनकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर, कंस्ट्रक्शन वहां पे हाई लेवल पे होता है। अब देख रहे हो ना आप, आए दिन देखते हो, जैसे ही यहाँ पे मानसून सीजन स्टार्ट हो जाती है क्या होता है, कहीं आप देख लो ये रोड टूट रहा है, ये ब्लॉक है, वहां लैंडस्लाइड हो गई, वहां फ्लैश फ्लड, अभी आप देखो न्यूज में स्टार्ट चल रहा है हरिद्वार में फ्लैश फ्लड आ रहा है, और ऊपर मनाली में फ्लैश फ्लड आ रहा है, बहुत जगह फ्लैश फ्लड आ रहा है। और क्यों, और इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर दे सकते हैं ह्यूमन का सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है उनमें लैक ऑफ सिविक सेंस है कि हाउ टू यूज पब्लिक रिसोर्सेज। उनको लगता है कि मतलब हम अगर इधर आए हैं तो हमारे यहाँ के प्रति कोई ड्यूटी नहीं है, केवल राइट्स है। इसे हम कहते हैं कि ये हमारी राइट्स है लेकिन हमारी ड्यूटी कुछ भी नहीं है। अरे आपकी ही ड्यूटी है वहां को संभाल के रखना, आप जो कचरा कर रहे हैं उसको सही जगह पे देना। और मेरा मानना है कि कोई अगर इंसान एक ये इनिशिएटिव भी रख सकता है कि वहां पे वो एक प्लांट, जब भी जितनी भी बार किसी हिल स्टेशन पे या फिर ऐसी क्रिटिकल इकोसिस्टम में जाए तो वहां पे उसको एक पेड़ लगाना चाहिए। सुनिए मेरा एक बड़ा अच्छा, मेरा एक इनिशिएटिव खुद का है, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मुझे लगता है कि 95-98% समथिंग तो हिंदुस्तान में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो मेरा मानना है कि पूरी साल मत करो, कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन एक पेड़ तो जरूर लगाओ। और बिल्कुल बिल्कुल, बोल सकते हो तो ब्लड डोनेट कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो एक पेड़ तो जरूर लगाओ। क्योंकि सीधी बात है, जहां हम रेंट पे भी रहते हैं वहां किराया देते हैं, आप इस धरती पे रहने आए हो, आप कोई किराया नहीं दे रहे हो यहाँ का, ठीक है। तो कम से कम इस नेचर को यूज कर रहे हो, इसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, सब कुछ यूज कर रहे हो, कम से कम एक प्लांट तो लगाओ। हर एक बर्थडे पे प्लांट लगाओ, सोचो अभी आप
अप्रोक्स 25 ईयर होंगे, आप एवरेज 70 साल जियोगे, ऊपर भी जियोगे, मतलब मैंने मान लिया एवरेज, अब 70 साल जियोगे तो कितना ईयर हो गया सुमित जी? आप यहाँ पे पेड़ लगा के जाओगे ना, अर्थ को कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाओगे, यहाँ पे आए हो, लेकिन पेड़ ही मुझे लगता है एक साल में इतनी बड़ी पौध नहीं है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन यही है कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें जो जगह है जैसे कि ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आपने बताया, ऑल्दो ये भी क्रिटिकली बहुत ही इकोसिस्टम्स हैं, वल्नरेबल इकोसिस्टम्स हैं, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है आपका वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि ऑल्दो बायोडायवर्सिटी हॉट है यहां पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, काफी जगह है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंडमान एंड निकोबार, जैसे मालदीव ने जब बैन किया था तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप पे उन्होंने किया था, तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इंडिया में हर जगह बहुत खूबसूरती है, आप सोचो माउंटेन्स लेके प्लेट्यू है, आप प्लेट्यू और यहाँ पे आप डेजर्ट भी अवेलेबल, हर चीज अवेलेबल है हमारी इंडिया, यही तो खूबसूरती है इंडिया की, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ पे हर एक सबसे पहले अवेलेबल है, इन्फ्लुएंसर है ना जो जाते हैं ट्रैक पे या ट्रैकिंग करने जाते हैं या बाइक राइडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको सबसे पहले उनको ही देख के लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया आज का टाइम वही है, ठीक है, तो मुझे लगता है उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उनको ये भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि आप माउंटेन से भी आप इधर भी जा सकते हो, ये भी काफी घूमने वाली, हर एक इन्फ्लुएंसर को एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, ऑब्वियस राइट, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, बिल्कुल अगर आप अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके करते हैं, आपको लगे कि आपकी बातों से कुछ लोग इफेक्ट होते हैं, तो आपको अपनी बातें भी उसी हिसाब से बोलनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। अच्छा, इन लोगों की वजह से वहां का जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, और इसीलिए आप देखते हो, आए दिन आप न्यूज में देखते होंगे कहीं कहीं माउंटेनी एरिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इसका सोल्यूशन हमारा यही होना चाहिए कि हमें उनकी जो बाउंड्रीज है उसमें नहीं घुसना चाहिए, उनके जो इकोसिस्टम है हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं सेल्फिश होके कि हमने कभी शेर नहीं देखा चलो वहां चलते हैं, लेकिन ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है कुछ पल का, ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसका भी एक अलग ही वो है जो जो लोग टाइगर सफारी वफारी करते हैं ना, तो ये भी एक एनवायरनमेंट की देखा बहुत ज्यादा, ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम अपने ऑडियंस से भी सवाल ले सकते हैं, जो ये रॉयल क्वीन है हमें पूरे डिस्कशन के दौरान हमें ज्वाइन करे हुए थे, मैंने देखा इनको, तो आप इनसे भी इनके सवाल पूछ सकती हैं अगर ये चाहे तो, कुछ इनके सवाल हो इनके बंदे तो नहीं, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर दे सकते हैं, कुछ चैट बॉक्स में आप अपने सजेशंस और आप अपने क्वेश्चंस और सजेशंस को डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा यहाँ पे कंजर्वेशन और लोकल रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मेरा मानना है लोकल रिसोर्सेज को हमें इंस्टेड ऑफ अंदर घुस के उसमें बिगाड़ने की बजाय हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो उनका लोकल एरिया है उसको किस तरीके से वहीं पे डेवलपमेंट किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके कि हाँ आप अपने जो कल्चर है उसको संजो के रखिए, उसको बढ़ाइए, उसके लिए तो उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द टाइम चीजों को बिगाड़ता ही है, ये चीज जो देखी जाए ना, अभी हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कल्चरल इंपैक्ट बहुत पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सी अभी आपने देखी होंगी जो हमारी ट्राइब्स हैं, बहुत ही पुरानी पुरानी ट्राइब्स हैं, मतलब ये विलुप्त होने की कगार पे आ गई, एक्सटेंड हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल,
और रीजन क्या है, यही है जैसे अभी हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर एक तरह से हावी हो चुका है और इसका इम्पैक्ट जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो उनका अभी थोड़ा बहुत अपना बचा कुचा रखे हैं, वो सब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो बच ही नहीं रहे बिल्कुल। देखा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ था, हमारे पास सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, ट्रेडिशनल प्लांट्स थे, ट्रेडिशनल दवाइयां थी, सब कुछ था, लेकिन जस्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, वेस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से हमें लगता है कि जो भी नई चीज होगी वो करंट चीज से बेहतर ही होगी, जबकि हम भूल जाते हैं हमारी करंट चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ऑब्वियस टूरिज्म जो स्ट्रक्चर है उसके मैनेजमेंट को लेके भी काफी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, जो मिनिस्ट्री तो हर चीज की बना रखी है, लेकिन जो उनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव काम है मिनिस्ट्री का, मेरे ख्याल से वो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हमारे पास इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, वो ये सब ओवरसी करें कि जो जगह है उनका किस तरीके से बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है, किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है कि यहाँ पे इकट्ठा ना हो। और तो ये हाँ, हम फंडामेंटल राइट को जरूर ब्रेक करेंगे कि एक आपने ग्रीन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रीन बेल्ट वाले एक वो कॉरिडोर वाला था कि हाईवे निकलते हैं तो वाइल्ड लाइफ को कोई इम्पैक्ट ना हो, तो ऊपर से ऐसा ही नेचुरल कॉरिडोर बन गए। बिल्कुल, तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव है मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके हिसाब से ज्यादा सही है, अच्छे हैं ये वाले इनिशिएटिव, हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हाँ, इम्प्लीमेंट ग्रीन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, अभी आप देखो, अभी न्यूजेस देखा जाए तो हिल स्टेशन की न्यूजेस थी कि मतलब जहाँ पे बंजर पहाड़ थे समथिंग, वहां पे टेम्परेचर एकदम मैक्सिमम दिन में, और जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे तो वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन था। अब सोचो प्लांट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, प्लेन एरिया में नहीं, अभी तो आपको मतलब माउंटेनियस एरिया में भी देखो प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, हिल स्टेशन में हम जाते हैं लैंडस्लाइड को रोक देते हैं, इनकी रूट्स इतनी रूट्स होती हैं, अब रूट्स को क्या करती है, सॉइल को एकदम पकड़ के रखती है, टाइट कर देती है, टाइट कर देती है तो लैंडस्लाइड इतना नहीं हो पाता, वहां पे मिट्टी शिथिल नहीं होती है, गिरती नहीं। अब प्लांटी काटोगे स्ट्रक्चर वहां पे अपना बनाओगे सब कुछ होटल्स ये सब, उसके लिए लकड़ी यूज करोगे, ये क्या प्लांट कटिंग करोगे जगह के लिए, तो लैंडस्लाइड ऑब्वियस मिट्टी शिथिल पड़ जाएगी, ऑब्वियस दिक्कत होगी वहां पे। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हम पेरेंट्स ही जो होते हैं वो फ्यूचर ऑफ द नेशन डेवलप कर रहे होते हैं छोटे बच्चों के तौर पे, तो उनको स्टार्टिंग से ही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के तौर पे नेचर के करीब लाना चाहिए, उनको नेचर की वैल्यू बतानी चाहिए, उनमें अच्छी हैबिट्स डालनी चाहिए कि कौन सी चीजों से नेचर को फायदा होता है, कौन सी चीजों से नेचर को नुकसान होता है। मेरा मानना है कि जो हम फ्यूचर लीडर्स हम बना रहे हैं ना, उसमें पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा खासा रोल होता है, यंगस्टर्स का भी अच्छा खासा रोल होता है, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर का भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आज का यूथ सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है मैक्सिमम, मतलब सारा तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक बड़ा चंक आपको देखने को मिलेगा जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है और उससे अपनी लाइफ को अटैच करके वो चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, आज बहुत अच्छा लगा टॉपिक, आज का काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ठीक है, और आप भी काफी, आपने मेरी मुंबई इंडियंस की, और मुंबई इंडियंस हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लुकिंग गुड इन प्रोग्रेस विद कैप। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और जिम जिम की भी आपने बॉडी बनाई है, इसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को सुमित जी के साथ बहुत अच्छा लगा करके। ठीक है, और मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा रॉयल क्वीन का, जो हमारे साथ पूरे सेशन के दौरान जुड़ी रही और अपने व्यूज भी रखे हमारे सामने, तो धन्यवाद आपका भी रॉयल क्वीन। उम्मीद करता हूँ अगली बार आप हमें आपका असली नाम जानने को मिले, और धन्यवाद वैभव जी और धन्यवाद रॉयल क्वीन जी। चलिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और आपके इस टॉपिक को लेकर क्या विचार है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।